दोस्तों, अपने ग्रॉसरी स्टोर में चोरी होने से कैसे बचाएं? चाहे आपका किसी भी तरह का स्टोर हो, कोई मॉल हो, कोई शोरूम है और वहाँ पे आपके यहाँ चोरी होती है, बहुत बड़ा मार्ट है तो भाई सारी चीज़ों को देखना मुश्किल होता है। तो प्रोडक्ट चोरी होने से कैसे बचाएं, उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। RFID है ना, ये बोलते हैं, ये पूरा सेटअप है, उसके बारे में थोड़ा सर बताएंगे, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जितने भी मॉल बन रहे हैं, सुपर मार्केट बन रहे हैं या बड़े बड़े गारमेंट के बड़े बड़े आउटलेट बन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक बड़े बड़े आउटलेट में एक चीज़ दिखने में आई है कि उनका स्टॉक ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इन द सेंस वहाँ पे चोरी होते जा रही है। चोरी होने के बहुत से कुछ रीजंस रहते हैं, एक तो उनका स्टाफ भी कुछ गड़बड़ कर सकता है या बाहर के लोग भी आके वहाँ पे एक ट्रायल लेने के नाम से या कोई पर्स में बैग में कोई चीज़ें ऐसे डाल देते हैं और वो क्रॉस हो जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं चलता। उसके लिए स्पेशली अपने पास अच्छे डेवलपमेंट में एक चीज़ आई है, उसको बोलते हैं EAS, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम। इसको कोई RF का गेट, कोई AM गेट, कोई चेक पॉइंट का टैग, ऐसे अलग अलग नाम से कोई पहचानता है उसको। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए इस टाइप की ऐसी एक टैग, ऐसी टैग होती है, इस शेप में, इस शेप में, उसके शेप साइज वगैरह अलग अलग रहते हैं। उसमें हार्ड टैग और सॉफ्ट टैग, ऐसे दो टाइप आते हैं। तो जैसे ही पकड़ के चलिए कि जैसे ये एक आइटम है मेरा, ये आइटम को मैंने एक टैग लगा दिया है, तो उसको अगर मैं ऐसे जेब में डाल के या ऐसा कुछ दबा के ये वाले सिस्टम से जैसे ही क्रॉस होता हूँ, ये ऐसा अलार्म दे देगा। यानी इसका मतलब ये हो गया है कि कोई चोरी करके आपके यहाँ से सिस्टम से लेके जा रहा है। जब वो काउंटर पे आता है और स्पेशली उसका बिलिंग करता है तो इस टाइप का एक डीएक्टिवेटर पैड होता है। अगर मैं यहाँ पे उसको ऐसा डीएक्टिवेट कर दूँ तो ये अभी वो कस्टमर बिल करके ये चीज़ लेके जाता है। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ भी साउंड सायरन कुछ भी नहीं बजेगा। तो इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है, ये सॉफ्ट टैग हो गया है और ये हार्ड टैग भी सेम वर्क करता है। हार्ड टैग के लिए क्या रहता है, ये हार्ड टैग है, ये हार्ड टैग अगर मैं कोई लेके जाता हूँ, इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, तो ये हार्ड टैग का साउंड बज गया। उसको रिमूव करने के लिए ये जो काउंटर है, काउंटर पे आके इसको रिमूव करना है जस्ट, और कस्टमर को ये रिमूव करके दे देना है। ये जो सिस्टम है इसमें दो टेक्नोलॉजी काम करती है, एक AM और एक RF। तो RF का रफली एक प्राइसिंग 30,000 से शुरुआत होता है। तो अलग अलग इसका जो डिस्टेंस रहता है, 4 फीट में लगाना है आपको, 5 फीट में लगाना है, 6 फीट में लगाना है, 7 फीट में लगाना है, इसका अलग अलग शेप वाइज जो चलता है उसका जो रेटिंग है 30,000 से लेकर 2-2.5 लाख तक के सिस्टम में आ जाती है। और AM टेक्नोलॉजी में वो 50,000 से लेकर आपका 3 लाख तक के सिस्टम अलग अलग टाइप की आ जाती है। उसमें आपका गेट हो गया, उसके टैग आते हैं अलग अलग टाइप के, उसका डिटैचर और उसका इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जनरली। थैंक यू। कुछ ये रहे, उसका कुछ क्यूरी रहे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। कैसा लगा सर हमें ये वाला सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम? बहुत अच्छा है और आप अपने स्टोर में चोरी नहीं होना चाहिए उसके लिए ये सिस्टम लगाएंगे तो 101% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट ऑफिस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो होती है कि एंट्री करना है तो आई कार्ड होना है आपको, और आई कार्ड, विदाउट आई कार्ड एंट्री नहीं रहता। उसमें भी अपने सादे कुछ एक नॉमिनेशन, यानी जैसे नाम, उसका ID, उसका एड्रेस वगैरह वाले भी कार्ड रहते हैं। और अभी के ट्रेड में तो चिप कार्ड भी आया है, जो ये वाली एक्सेस मशीन रहती है इस टाइप की, ये एक्सेस मशीन से वो डायरेक्ट वो कार्ड पंच किया है कि ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। तो RFID कार्ड में भी अपन पूरा डील करते हैं, इसमें LF, HF और UHF, ये 3 टाइप की टेक्नोलॉजी चल रही है। साथों साथ ये इसका एक मशीन आता है, इसको फोकस, इसको PVC कार्ड प्रिंटर बोलते हैं, कोई ID कार्ड प्रिंटर बोलते हैं, कोई प्रिंट कार्ड प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं। इसमें इस टाइप के ब्लैंक कार्ड जो रहते हैं, ये वाले ब्लैंक कार्ड लगते हैं, यहाँ पे ये मल्टी कलर की कलर रिबन लगती है, इस टाइप की ये रिबन लगती है यहाँ पे, इस सेगमेंट में ये मशीन लगती है। और उसके बाद डायरेक्ट कंप्यूटर से जो डिज़ाइन आपकी रही वो डायरेक्ट आप प्रिंट करवा सकते हैं और इस टाइप का डायरेक्ट आउटपुट आ सकता है उसका। उसको लगने वाले जो हर टाइप के कार्ड होल्डर हो गए, अलग अलग टाइप के, हर टाइप की लेनार्ड हो गई है, प्रिंटिंग करके वगैरह हम पूरा करवा के देते हैं।
ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको कैश काउंटिंग मशीन भी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारा कैश जब आता है हमारे शॉप में तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मशीन है कुछ कैश काउंटिंग, काफ़ी अच्छी मशीन है, इनके बारे में थोड़ा सर बताइए। जी मैं उज्ज्वल ऑटोमेशन नागपुर से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सही मल्टीपल नोट काउंटिंग मशीन है, उसमें सादी नोट काउंटिंग और फेक नोट काउंटिंग मशीन भी आते हैं, उसमें वैल्यू काउंटिंग भी मशीन, उसमें मल्टीपल नोट काउंट्स यूज होते हैं, उसमें बंडल काउंटिंग मशीन भी आती है। तो ये मशीन जैसे बैंक में यूज़ होता है, ट्रस्ट सील में यूज़ होता है, आजकल कैसे फेक नोट का काफ़ी चलन चल रहा है, फेक नोट, तो इसमें फेक नोट्स पकड़ी जाती है। ये मशीन जैसे ये बड़ी मशीन दिख रही है, ये वैल्यू काउंटर मशीन है, इसमें मल्टीपल नोट काउंट कर सकते हैं, उसमें सॉर्टर का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपको नोट्स डालना है उसमें अलग नोट पकड़ना है तो वो भी पकड़ सकते हैं, उसमें काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल दिया है, अलग अलग नंबर्स में दिया हुआ है। सबसे कम प्राइस वाली मशीन कौन सी? ये वाली सबसे कम प्राइस वाली है, इसमें नोट काउंट होता है और फेक नोट बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तीन मशीन, यहाँ पे जैसे कि देखिए सबसे कम प्राइस वाली है, फिर ये, और फिर उसके बाद वो है ना, तो इनका ये यहाँ पे हमने दिखा दिया। इसके बाद बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं। आप जैसे ही जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री हो गई, रिटेल आउटलेट हो गए, या हर कोई जिसको आज लेबल की ज़रूरत है उसके लिए जो प्रिंटर आते हैं, उसको कोई लेबल प्रिंटर बोलता है, कोई बारकोड प्रिंटर बोलता है, कोई थर्मल प्रिंटर बोलता है, आज लेबल लगाना एक कंपलसरी पार्ट हो गया हर इंडस्ट्री में, हर आउटलेट में, वो रिटेल रहे या इंडस्ट्री सेगमेंट रहे। तो उसके लिए पूरी जो लेबल की जो रेंज है उसमें सादे वाले लेबल, स्पेशलिटी लेबल, कलर वाइट, उसके उसको चलने वाले कंज्यूमेबल, थर्मल ट्रांसफर रिबन, और साथों साथ जो आज 3 इंची का बिल देने का जो कंसेप्ट आया है, जो हर कोई थर्मल प्रिंटर जो यूज़ करता है, जो बिलिंग मशीन्स यूज़ करता है, उसके लिए जो भी स्टेशनरी चाहिए वो हमारे पास हर साइज़ में, हर क्वालिटी में अवेलेबल है। तो ये जो लेबल लगाने के लिए ये जो मशीन, इसको बारकोड प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर बोलते हैं। अच्छा। एक्चुअली इसको लेबल प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर, इसका कंसेप्ट ये है कि एक लेबल जनरेट करना जिसमें जो भी कुछ डिज़ाइन हो वो प्रिंट करना, वो इसका स्पेशली कंसेप्ट है। ठीक है, ये कौन सी मशीन है? ये हैंडहेल्ड लेबलिंग मशीन है। ओके, हैंडहेल्ड लेबलिंग, हैंडहेल्ड लेबलिंग मशीन, जो एक पहले जो बहुत चलता था जो मार्केट में, एक रेट लिखने के लिए, रेट लिखने के लिए डायरेक्ट हैंड से रेट सेट कर किया जाता है। यहाँ पे पैरामीटर रहते हैं, उसके कैरेक्टर रहते हैं, वो सेट कर दीजिए और उसके हिसाब से उसके लेबल जनरेट कर। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर आपका ग्रॉसरी स्टोर है या फिर कोई क्लॉथ स्टोर है तो प्राइसिंग डालने की बहुत अच्छा काम आ सकता है, क्योंकि देखिए जैसे हमें लेबल लगाना है यहाँ पे, तो सिंपली हमको यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, ऐसे ये, हाँ, और ये देखिए प्राइस जो है निकल करके लग गया। तो प्राइस अगर हमें लगाना है प्रोडक्ट में तो ये प्राइसिंग के लिए एक छोटा सा ये मशीन है, लेबलिंग कर सकते हैं इससे, है ना। और आगे बताइए सर। हाँ सर, आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसका जो पैकिंग रहता है उसके ऊपर उसका बैच नंबर, उसका MRP, उसका एक्सपायरी डेट और बैच ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये डालना बहुत मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया है। उसके वजह से जो भी कुछ छोटे मोटे गृह उद्योग वाले हैं या कुछ मैन्युफैक्चरर है और कुछ भी जहाँ पे वो प्री प्रिंटेड ऑलरेडी उनकी पैकिंग हुई है, समय के ऊपर उनको सिर्फ बैच मार्क करना है। तो ये डायरेक्ट हैंडहेल्ड प्रिंटर है। ये डायरेक्ट हैंडहेल्ड प्रिंटर होने के वजह इसमें क्या है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें आप जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए, यहाँ से जस्ट प्रिंट बोलिए। यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है, ये बटन है रेड वाली, ये रेड वाली बटन, इसको दबा दीजिए, साउंड आया, एक जस्ट उसको ऐसे घुमा दीजिए, ये देखिए पूरा उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, उसकी प्राइस, QR कोड, बार कोड, सब कुछ, ये एनी आइटम, यानी PVC बैग हो गई, अपना ये हो गया, पेपर प्रोडक्ट हो गए और प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, सबके ऊपर मार्किंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी मशीन काफ़ी अच्छी है। इसमें इस मशीन में इसमें 12.5 इंच और 25 इंच इतना प्रिंटिंग एरिया रहता है, ऐसे दो टाइप की मशीन अलग अलग आती है। तो ये मशीन आप समझ गए होंगे, अगर हमको कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट जैसे कि प्रिंट में तो हो चुका है, मैं एक बार ये देखिए कुछ इस तरह से चलाते जाना है, बस एक बार ऐसे राउंड बस कर देना है यूँ, ये देखिए प्रिंट हो गया। तो ये मशीन भी काफ़ी अच्छी है ना, अपने किराना स्टोर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, हेलो, मैं समीर सुरंग लेकर उज्ज्वल ऑटोमेशन से, हम लोग नागपुर में बेस्ड है और करीब 47 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ये हमारी टीम है उज्ज्वल ऑटोमेशन की, मार्केटिंग वाले हैं, सपोर्ट वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं, क्वालिटी वाले हैं, सब लोग हेलो करो।
और इतने खासियत यह है कि किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, इतने सालों से पूरी टीम डेडिकेटेडली वर्क कर रही है और इसी के कारण आज करीब 4,500 कस्टमर्स हो गए हमारे। तो हमारे पास जैसे बारकोड सॉल्यूशन से लेके आईडी कार्ड प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, आरएफआईडी, आरएफएम, नोट काउंटिंग मशीन्स, बिलिंग मशीन्स, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जहाँ जो हर कंपनी में लगते हैं। और आज 4,500 से ज़्यादा कस्टमर्स हो गए, जिसमें सारे कस्टमर्स है, जैसा इंडस्ट्रीज़ है, वेयर हाउसेस है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, सुपर बाज़ार है, रिटेल स्टोर है, हर तरह के कस्टमर आज हमारे हो गए हैं और सब पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम इतने सालों से हमारे कस्टमर हैं, 20-20 साल से हमारे कस्टमर बने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये इन लोगों की बड़ी मेहनत के कारण आज हम लोग इतना सक्सेस पाए हैं। तो वी आर फ्रॉम